एक इवनिंग वॉक सिंगापुर में। गाइस देखो कितना ज़्यादा मतलब ऑसम एक्सपीरियंस है यहाँ पे। आप इस एरिया पे ऑलमोस्ट आपको सब कुछ मिल जाता है, चाहे आपको शॉपिंग मॉल्स चाहिए या फिर आपको फूड प्लाजास चाहिए, कमर्शियल्स है, सब कुछ आपको इस एरिया पे मिल जाता है। तो गाइस चलिए साथ में बाकी सिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। इस एरिया को बोट क्वे के नाम से जाना जाता है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको मेरा हॉस्टल टूर दिया था जिसका नाम है बीट कैप्सूल, और ये है एग्जैक्ट बोट क्वे लोकेशन पे। तो अगर आप यहाँ पे आके रहते हो तो इससे अच्छा डेस्टिनेशन सिंगापुर में कुछ है नहीं। आप अपने हॉस्टल से निकलते ही इस ऑसम व्यू का आनंद ले सकते हो। इस माहौल में कुछ अलग सा ही सुकून था, सो मैं कोशिश करूंगा कि आप भी इस सुकून को महसूस कर पाओ इस वीडियो के ज़रिए। सो गाइस ये एक ब्यूटीफुल सा गार्डन है मेरे पीछे, आप देख सकते हो। सभी लोग जो है सुबह से यहाँ पे जॉगिंग वगैरह कर रहे हैं। ब्यूटीफुल रिवर व्यू तो है ही। सो जैसे दुबई में बुर्ज खलीफा है एक लैंडमार्क, इंडिया में ताजमहल है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे ही सिंगापुर में कुछ चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है जिसकी वजह से सिंगापुर को जाना जाता है। उसमें से एक लोकेशन है जो आप मेरे पीछे अभी देखो। सो गाइस मरीना बाय द सैंड्स के इस व्यू को देख के लग रहा था कि जैसे कि वक्त थम सा ही गया। ज़िंदगी में काफ़ी मौके ऐसे आते हैं जब आपको लगता है कि यहाँ थोड़ा वक्त ठहर लिया जाए, ऐसा ही कुछ मुझे भी महसूस हो रहा था। इस लोकेशन पे आपको काफ़ी सारे बोट्स दिख जाएंगे जो आपको इस बोट क्वे एरिया का टूर करवाते हैं। आप मरीना बाय द सैंड से लेके कंप्लीट बोट क्वे एरिया तक इस बोट के थ्रू आ सकते हो, जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन अट्रैक्शन से आप देख सकते हो। तो इन्हीं लम्हों को हमने भी कैप्चर किया हमारे कैमरे में, और फिर इसके बाद यहाँ से चल पड़े इस ब्रिज को क्रॉस करके आगे की तरफ ताकि हम इस सिटी को और नज़दीक से एक्सप्लोर कर पाए। वो कहते हैं ना, मंजिल में क्या रखा है रास्तों में ही असली मज़ा है। मुझे भी ये एहसास हुआ इन रास्तों में चल के। हम इस ब्रिज को क्रॉस करके दूसरी ओर चले जाते हैं जहाँ पे फुलर्टन होटल का ही कंप्लीट एक एरिया बना हुआ था, जहाँ पे हमें एक्सेस मिलता है मरीना बाय द सैंड्स के और नज़दीक जाने का, जहाँ पे जाके हम मैडलिन को भी देख सकते थे। बट मर्लिन के एंट्रेंस के पहले ही हमें लेफ्ट हैंड साइड में एक ब्रिज दिखा जहाँ से कंप्लीट मरीना बाय द सैंड्स एरिया का बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना इस ब्रिज पे थोड़ा दूर चल दिया जाए और यहाँ से इस ब्यूटीफुल नज़ारे को और अच्छे तरीके से देखा जाए। इस रेस्टोरेंट की प्लेसमेंट इतनी अच्छी थी कि यहाँ पे जो भी लोग डिनर कर रहे होंगे उनको क्या व्यू आ रहा होगा। एक तो वो इन बोट्स को गुजरते हुए देख रहे होंगे इस ब्रिज के नीचे से, सामने उनको ये स्काई हाई टावर्स दिख रहे होंगे और आगे की तरफ उनको एंटायर मरीना बाय द सैंड दिख रहा होगा। ऐसे लोकेशंस काफ़ी ज़्यादा आइडियल हो सकते हैं एक रोमांटिक डेट के लिए। मैंने भी एक सराउंडिंग व्यू ले ही लिया इस लोकेशन का। फिर हम ये गगनचुंबी इमारतों के नज़ारे लेते हुए चल पड़ते हैं फुलर्टन होटल के एंट्रेंस के थ्रू मरीना बाय द सैंड्स के एक्सेस के लिए। इस एरिया पे जब आप जाते हो आपको एक अलग से ही खुशी महसूस होती है।
पता नहीं क्यों मैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। हर जगह आपको लोग किलकिलाते हुए नज़र आएंगे, खुश नज़र आएंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, बहुत ही प्यारा सा सुकून भरा एक माहौल था। और यहीं से ही आपको एक्सेस मिलता है मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट्स का, मरीना बाय द सैंड्स के ब्यूटीफुल मॉल का, होटल्स का एंड साथ ही साथ वर्ल्ड फेमस मर्लिन का। सो यहीं से वॉक करते हुए हम चल देते हैं सिंगापुर के लैंडमार्क की तरफ जो है मर्लिन। मैंने भी अपने कैमरे में इस वक्त को कैप्चर किया। बहुत ही ज़्यादा शोरगुल था यहाँ पे, बट पता नहीं क्यों फिर भी काफ़ी सुकून महसूस हो रहा था। सो गाइस, अभी जो है हम कुछ खाने के लिए जा रहे, देखते हैं यहाँ पे कॉस्ट क्या है एंड देन मैं आपको इसकी प्राइसिंग बताता हूँ। खाने पीने के मामले में ये एरिया थोड़ा कॉस्टली तो है, लेकिन इस शानदार व्यू को देखते हुए अगर आप इस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो तो ये आपके लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस भी बन सकता है। यहाँ पे यूजुअली जो बियर की कॉस्ट है ये लगभग $25 के आसपास है, आपको एक जार मिल जाता है। अगर आपको थाई फूड पसंद है या फिर चाइनीज़ पसंद है या फिर आपको इंडियन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन जो कॉस्ट है अराउंड $20 के आसपास पर हेड का मिल जाता है। आपको यहाँ पे चिकन बारबेक्यू मिल जाएगा, आपको यहाँ पे वेजिटेरियन में थोड़े बहुत डिशेस मिल जाएंगे, इसके अलावा ड्रिंक्स के भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ है। डिनर करके हम यहाँ से निकलते हैं हमारे हॉस्टल रूम की तरफ, लेकिन जाने के वक्त भी हमें ऐसा महसूस हो रहा था कुछ वक्त और यहाँ पे ठहर लिया जाए, बट हमें आगे काफ़ी सारी जर्नी साथ में करनी है तो इसलिए मैं चल पड़ा अपनी रूम की तरफ। यहाँ पे भी सेम दुबई या फिर अदर कंट्रीज़ के जैसा ही रूल है, आपको बटन प्रेस करना पड़ता है रोड क्रॉसिंग के लिए। रोड क्रॉसिंग करते मुझे ये अजीब से कलाकृतियाँ दिखी, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। यहाँ पे दिखाया जा रहा था कि सिंगापुर के एंशियंट लोग जो थे वो कैसे यहाँ पे थे, क्या करते थे, ऐसी कलाकृतियाँ आपको एंटायर बोर्ड के एरिया पे दिखती है। तो इस शानदार नज़ारे को देखते हुए हम चले जाते हैं अपने रूम की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।